हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर 2018 के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और ये जो करंट अफेयर है हमारे सेम पैटर्न रहेगा, जहाँ पे हम शुरू में कुछ एक जो हमारे डेली के करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो हमारे पुराने करंट अफेयर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि इसी सीरीज के साथ आपका कंप्लीट करंट अफेयर जो है वो हो जाए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पर जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर मुझे फॉलो भी कर लीजिए। बिकॉज यहां पर मैं डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज डे बाई डे बना रहा हूँ, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो आज की वीडियो में सबसे पहला हमारे पास न्यूज़ है, वेयर डिड द 37th सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप बिगेन ऑन 17th दिसंबर 2018। तो देखिए, जो ये नेशनल रोइंग चैंपियनशिप है ये 17 दिसंबर 2018 को महाराष्ट्र में हुई, महाराष्ट्र के पुणे में हुई। और अगर इसमें बात की जाए तो इसमें लगभग 500 रोअर्स और कोचेज जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, जो जो है पूरी कंट्री में से जितने भी रोअर्स थे और कोचेज थे, अराउंड 500 रोअर्स और कोचेज जो हैं इन्होंने पार्टनरशिप किया। और आपको ये भी याद रखना है कि जो रोवर्स हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के लिए यहीं से इसी इवेंट से सिलेक्ट होंगे, ठीक है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 से टोक्यो 2020 में जो ओलंपिक होने हैं उनके लिए सिलेक्शन होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, नेशनल रोइंग चैंपियनशिप से वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के लिए सिलेक्शन होगी और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 से टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए सिलेक्शन होगी। सेकेंड हमारे पास न्यूज है, विच कंट्री वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप 2018 इन भुवनेश्वर ऑन 16 दिसंबर 2018। तो भुवनेश्वर में जो हॉकी वर्ल्ड कप है ये बेल्जियम ने जीता, ठीक है। बेल्जियम ने 16 दिसंबर 2018 को जीता और इन्होंने हराया किसको, नीदरलैंड को हराया। और अगर बात की जाए तो जो 2014 में वर्ल्ड कप हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। बिकॉज कई बार आपसे लास्ट ईयर का भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। और अगर इसके बाद हम बात करें तो टर्टल ओली जो मास्कट था हॉकी वर्ल्ड कप का, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मास्कट क्या था, तो टर्टल ओली था। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ओलाइव रेडली टर्टल जो है इनकी स्पीसीज को ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर डैस हु वाज ऑनर्ड विद द फ्रेंच नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड इंडो फ्रेंच फिल्म इंडस्ट्री। तो जो इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर अशोक अमृतराज हैं, ठीक है, इनको फ्रेंच नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो है ये दिया गया, ठीक है। और इनको ये अवार्ड किस लिए दिया गया, जो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं इंडियन सिनेमा में और इंडो फ्रेंच सिनेमा में, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में। और अगर बात की जाए तो ये अवार्ड इनको मिला जो 2 डेज का इंडो फ्रेंच प्रोफेशनल मीटिंग चल रही थी, जो फिलहाल जो है मुंबई में चल रही थी, ठीक है, उसमें इनको ये अवार्ड दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फोर्थ न्यूज हमारे पास है, विच क्रिकेटर बिकेम द सेकेंड फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 25 टेस्ट सेंचुरीज आफ्टर स्कोरिंग 123 रन ऑन द थर्ड डे ऑफ द सेकेंड टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट पर्थ ऑन 16 दिसंबर 2018। तो देखिए, कौन से क्रिकेटर हैं जो सेकेंड फास्टेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 25 टेस्ट सेंचुरीज जो हैं वो लगा ली, और ये जो है ये विराट कोहली बन गए हैं, ठीक है। इन्होंने 127 मैचेस खेले, ठीक है, 127 मैचेस में इन्होंने 25 टेस्ट सेंचुरीज जो हैं वो खेल ली हैं, ठीक है, मैचेस नहीं बोल सकते, ये इनिंग्स इनको मानते हैं हम। और अगर बात की जाए तो इनसे आगे कौन है, इनसे आगे हैं डॉन ब्रैडमैन, उनके जस्ट 68 पारियों में ही, ठीक है, डॉन ब्रैडमैन जो हैं वो 68 पारियों में ही बना गए थे इतने जो 25 टेस्ट सेंचुरीज थी। और विराट कोहली सेकंड नंबर पे हैं, थर्ड नंबर पे सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, सचिन तेंदुलकर जो हैं ये 130 पारियों में बना गए थे 25 टेस्ट सेंचुरीज, तो ये भी आप याद रखेंगे। और अगर बात की जाए तो ये इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया, जो पर्थ स्टेडियम है, और इसमें इन्होंने 123 रन स्कोर किए। और विराट कोहली जो है इन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था 6 टेस्ट सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी इन्होंने इक्वल कर दिया, यानी कि अब इनके इनकी भी विराट कोहली जी की भी 6 ही टेस्ट सेंचुरीज हो चुकी हैं, जो सचिन तेंदुलकर जी की भी पहले रिकॉर्ड था, तो ये भी इन्होंने अब फिलहाल लेबल कर दिया है, आगे चलकर ये इनको तोड़ भी सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ न्यूज हमारी जो है, वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिया इंडोनेशिया बिजनेस फॉर्म हेल्ड इन 2018। तो फर्स्ट इंडिया इंडोनेशिया बिजनेस फॉर्म हेल्ड हुआ 2018 में पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। और इसमें एम क्या रखा गया था कि कॉमर्शियल एंड पीपल टू पीपल लिंकेज जो है वो इंक्रीज की जाए इंडिया और जो इंडोनेशिया है इन दोनों के बीच में। इसलिए ये इंडिया इंडोनेशिया बिजनेस फॉर्म IIBF जो है ये हेल्ड हुआ। तो इस ये मेन रीजन था। तो ये तो हो गए हमारे जो डेली के करंट अफेयर थे। एंड फिलहाल जो है आपके अलग अलग व्यूज भी आ रहे हैं कि करंट अफेयर जो है डेली के 10 ही ऐड कर लीजिए। देखिए एक्चुअल में मैंने पुराने जो पहले वाली सीरीज थी हमारी उसमें भी मैं एक्चुअल में ये कर रहा था कि 5 के आसपास मैं डेली के रख रहा था, उससे बाकी जो थे वो मैं पिछले 1 मंथ के हिसाब से चल रहा था कि कुछ अगर 1 मंथ पहले या 10 डेज पहले हुआ है उसको ऐड करता था। तो अब देखिए 5 तो हम डेली की न्यूज़ ऐड कर लेंगे, उसके अलावा जो है 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट करंट अफेयर के करेंगे जो शुरू से लास्ट तक होंगे। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आपका जो कोर्स है बहुत अच्छा जाएगा ये। अब हम बात करते हैं, पार्ट 1 हमने कल कर लिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट जनवरी करंट अफेयर क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इन विच स्टेट गायल इंडिया लिमिटेड इट हैज कमीशन इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट। तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट जो है ये GAIL इंडिया लिमिटेड ने कमीशन किया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश में। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेटअप एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसको हम एम्स भी बोलते हैं, इन विच स्टेट। तो ये जो एम्स है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खुलना है, ये खुलेगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में ये एम्स जो है ये खोला जाएगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द स्टेट विच लॉन्च्ड एन ई गवर्नेंस पॉलिसी टू हेल्प पब्लिक गवर्नमेंट एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट अवेल ऑल सर्विसेज थ्रू डिजिटल मीडियम। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ई गवर्नेंस पॉलिसी जो है ये स्टार्ट की है ताकि पब्लिक जो है गवर्नमेंट है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको बेनिफिट हो जाए डिजिटल मीडियम के थ्रू, ठीक है। तो ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु में फिलहाल जो है ई गवर्नेंस स्कीम जो है पॉलिसी जो है ये लागू है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेट लॉन्च्ड चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला 2017-18। तो चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला जो है आप चाह बगीचा से भी याद रख सकते हैं क्योंकि चाय जो है सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो आसाम में होती है। तो ये चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला भी आसाम में हुआ जिसमें जो चाय वाले चाय के बगानों वाले जो किसान बोल सकते हैं एक तरह से जो मजदूर थे उनको उनका जो बैंक अकाउंट है वो ओपन किया गया, उनको कुछ इंसेंटिव जो है वो दिए गए मुख्यमंत्री के द्वारा, आसाम के मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, टोटली हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब फिलहाल 15 कंट्रीज जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, विच एक्टर वाज मेड द एम्बेसडर ऑफ इमामी ग्रुप फॉर इट्स एडिबल ऑयल ब्रांड्स। तो इमामी ग्रुप ने ऑयल ब्रांड्स के लिए सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो आपको याद रखना है सलमान खान, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंट्रीज नेवी सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट फायर ऑफ नेवल क्रूज मिसाइल नेम्ड हरबा। तो हरबा जो मिसाइल है इसका टेस्ट किस कंट्री ने कर लिया है, तो ये पाकिस्तान ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, याद रखना है आपको पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्राइल डे, ठीक है, ऑब्जर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 4 जनवरी को हर साल वर्ल्ड ब्राइल डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच बैंड द एंट्री ऑफ अनऑथराइज पर्सन्स और रिपोर्टर्स। तो ये जो है उत्तराखंड ने फिलहाल बैन किया है कि जितने भी अनऑथराइज पर्सन्स हैं रिपोर्टर्स हैं, ठीक है, उनको अब बैन कर दिया गया है। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज मेड इट्स लोगो हाईलाइटिंग द बिस्वा बांग्ला थीम विद अशोका पिलर्स। तो जो फिलहाल वेस्ट बंगाल स्टेट है इन्होंने अपना एक नया मोटो जो लोगो जो है वो लॉन्च किया है जो है बिस्वा बांग्ला थीम को हाईलाइट करता है अशोका पिलर के साथ साथ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ करंट अफेयर जो डिफेंस के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारा एक कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, तो कोर्स को आप रजिस्टर कर लीजिए, अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो इस कोर्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल में अनअकैडमी प्लस में दिख जाएगा यहाँ पर जो हमारा कोर्स है, तो
30 दिसंबर लास्ट डेट है, और लेकिन ये कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है, 3900 पे स्टार्ट हुई थी, अभी फ़िलहाल 4400 है। तो जल्दी से आप रजिस्टर कर लीजिए अगर आपको एफ कैट एग्ज़ाम देना है, और एफ कैट एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर चाहिए। और अगर हम बात करें तो इस जो हमारा आज की वीडियो है, इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि हमें इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेशन मिले। तो फिलहाल जो है आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एंड जय हिंद।